Hello dear students of class 7. So students, today we are going to read the chapter number 14, Subramanyam Chandrasekhar. So bachcho, ye jo chapter hai, ye aadharit hai Dr. Subramanyam Chandrasekhar par, jo ki Bharat ke ek bahut hi prasiddh vaigyanik khagol shastri reh chuke hain. Theek hai? To aaiye hum padhte hain inke jeevan ke bare mein. तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने नोबेल पुरस्कार के इतिहास में जो कीर्तिमान स्थापित किया वह अद्भुत है, अद्वितीय है. पहले उनके दो शिष्य जंगू दाऊ ली और चिंग यांग को भौतिक में सन 1957 का नोबेल पुरस्कार मिला. उसके 26 वर्ष बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में ही 1983 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला. जानते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्हें पढ़ाने के लिए विस्कॉन्सिन की यर्क वेदशाला से शिकागो विश्वविद्यालय 160 किलोमीटर की दूरी तय करके कार से आते जाते थे. आप जानना चाहेंगे कि वे छात्रों को पढ़ाने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते थे तथा ये छात्र उनसे ही क्यों पढ़ना चाहते थे. इसका सीधा उत्तर है कि गुरु ने अपने छात्रों की प्रतिभा पहचानी तथा शिष्य अपने गुरु की योग्यता और क्षमता से प्रभावित थे. मतलब जब वो यार्क की वेदशाला में वहाँ पर प्रोफेसर की उपाधि जब उन्हें मिली तो वो वहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पर अपने छात्रों को पढ़ाने जाते थे. ऐसे प्रोफेसर थे वो, ऐसे अध्यापक थे. तो आइए अब उनके जीवन के बारे में जानते हैं. एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों के रूप में परिवार के रूप में प्रसिद्ध है. उनके पिता चंद्रशेखर सुब्रमण्यम अय्यर गणित से स्नातक थे और चाचा प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी वी रमन थे. पिता की नियुक्ति जब महालेखपाल के पद पर रेलवे विभाग में हुई तब वे लाहौर गए. वहीं चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को हुआ. तो उनका जन्म हुआ 19 अक्टूबर 1910 को. शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने लाहौर से की. उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो मद्रास चले गए और यहाँ के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना नाम लिखवाया. यानी कि कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने मद्रास से की और अपने स्कूल की प्रारंभिक पढ़ाई जो थी उन्होंने लाहौर से की थी. युवक चंद्रशेखर अध्ययनशील थे. वे पढ़ाई में बहुत ही चतुर थे. 17-18 वर्ष की अवस्था में उनका एक शोध लेख इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ. तो उनको शुरू से ही जो था भौतिक यानी कि फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था. तो उन्होंने 17-18 ईयर की उम्र में ही उन्होंने शोध लिखने शुरू कर दिए थे. तब उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए किया. उसके बाद उन्हें दुर्लभ सम्मान भी प्राप्त हुआ. ठीक है, भारतीय युवक वो पहले थे जिन्होंने रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया था. ठीक है, जब मद्रास विश्वविद्यालय की एमए की परीक्षा में प्रथम आए तब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड भेजा था. उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉल्फ और प्रोफेसर डिराक जैसे चोटी के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उन्होंने शोध कार्य जो था अपना वो पूरा किया. यानी कि पीएचडी उन्होंने वहाँ से प्राप्त की. तो एक भारतीय के लिए उस जमाने में फेलो चुना जाना बड़े गर्व की बात थी. तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 6 वर्ष रहने के बाद चंद्रशेखर मद्रास लौट आए. उन्होंने बहुत कोशिश की कि मद्रास विश्वविद्यालय में उन्हें प्राध्यापक का पद मिल जाए किंतु उन्हें असफलता मिली. इसके बाद वो 1936 में अमेरिका गए जहां उन्हें यर्क वेदशाला में प्रधानाध्यापक का पद मिल गया. उसके बाद उन्हें उच्च पद पर भी वो पहुंच गए. उसके बाद उन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में कई नई बातें खोज की. ठीक है, वैज्ञानिक जगत में ख्याति अर्जित की और 1953 में वे अमेरिकी नागरिक भी बन गए थे. सो 1953 में वे नागरिक बन गए थे अमेरिका के. फिर एस चंद्रशेखर ने यर्क वेदशाला से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ज्योति भौतिकी का संपादन भी किया. तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया. ठीक है, पत्रिका जो एक सम्मान की बात थी. उन्होंने इस विषय पर दो उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी. वो एक बुक राइटर भी थे, उन्होंने बुक्स भी लिखी थी टू. डॉक्टर चंद्रशेखर खगोल भौतिक विज्ञानी थे. ठीक है, उनका अध्ययन क्षेत्र मुख्यतः तारा, आकाशगंगा, मंदाकिनी आदि थे. तो उन्होंने सितारों के वातावरण और जिस तरह पदार्थ और गति आकाशगंगा के तारों में बटे हुए हैं इसे समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
घूमते हुए द्रव पदार्थ, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तथा आकाश का नीलापन आपके उल्लेखनीय शोध कार्य हैं। ठीक है, इन्होंने इन चीज़ों पर शोध किया, रिसर्च की। खगोल भौतिकी में इनकी प्रसिद्धि का कारण चंद्रशेखर लिमिट है। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट यानी कि इन्होंने रचना की बुक की। उनका खोज कार्य मुख्यतः तारों की रचना और उनकी भौतिकी गुण धर्मिता से संबंधित है। मतलब उनका जो मेन रिसर्च एरिया था वो स्टार्स से रिलेटेड था। वो उन्होंने जितने भी शोध किए, जितने भी रिसर्च की, वो सारे स्टार्स पर थी कि स्टार्स कैसे जो हमारे यूनिवर्स में रहते हैं, कौन कौन से स्टार्स हैं, कैसे हैं वो, कैसे ख़त्म हुए, कैसे बने। ठीक है, यही उनका रिसर्च एरिया था। तो आप रोज़ रात को आकाश में अनगिनत तारे देखते हैं, ये सभी तारे हमारी आकाशगंगा में हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 1.5 अरब तारे हैं, जिनमें सूर्य एक है। ये तारे हमसे बहुत दूर हैं, वे इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी पर आने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा तब होता है जबकि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। तारों के संबंध में डॉक्टर चंद्रशेखर ने नई नई बातों की खोज की। ठीक है, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक तारे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और मर जाते हैं। तो जो डॉक्टर चंद्रशेखर थे, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो तारे होते हैं वो खुद ही बनते हैं। ठीक है, इन्वेंट होते हैं और फिर खुद ही जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है वो खुद ही बिखर जाते हैं, यूनिवर्स में ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्टार से ही पृथ्वी से बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों वर्ष दूर होते हैं, यानी कि इन तक पहुँचने में ही हमें करोड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो उनके अनुसार जो हमारा सूर्य है वो भी अनंत काल तक ऐसा नहीं रहेगा। इनका ये भी कहना था कि जो सूर्य है ये भी एक स्टार है। ठीक है, तो ये खुद ही पैदा हुआ है, खुद ही बना है, और अपने अंतिम समय आने पर जब सूर्य की जो अंदर की गर्मी है जब वो कम हो जाएगी, तो वो सूर्य जो भी है वो भी खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये इनका कहना था। और इसका मुख्य कारण ये कि तारे निरंतर परमाणु ईंधन को जलाते रहते हैं, इसलिए उनका स्वरूप एक जैसा नहीं रहता। तारों का विकास और अंत कैसे होता है, ये डॉक्टर चंद्रशेखर के शोध कार्य का विषय रहा है। तो कहते हैं ना कि जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, खुद चमकते हैं वो। तो इस तरह से जो चीज़ खुद चमकती है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जल रहा है, तो जब वो चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ जलेगा तो उनका खुद ही वो ऑब्वियस सी बात है कि खुद ख़त्म भी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो स्टार्स है वो खुद ही बनते हैं और खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, और उनका आकार भी चेंज होता रहता है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, गणित में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से एडम्स पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके बाद उन्हें पद्म भूषण दिया गया भारत सरकार की ओर से। फिर भारत विज्ञान अकेडमी, ठीक है, साइंस अकेडमी की ओर से उन्हें रामानुज पदक दिया गया। उसके बाद 1983 में उन्हें भौतिकी के में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, फिजिक्स में। उसके बाद चंद्रशेखर अंतिम समय इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी रहे, और 84 वर्ष की आयु में, 84 वर्ष की आयु तक वे अपने शोध कार्य में अनवरत लगे रहे। मतलब जब वो 84 साल के हो गए थे तब भी वो रिसर्च कर रहे थे, इतने उम्र के होकर भी। उसके बाद 21 अगस्त 1995 में हृदयाघात, यानी कि उनको हार्ट अटैक आया और शिकागो में ही उनकी मृत्यु हो गई, अमेरिका में थे तब वो। उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर एक ही साथ भौतिक शास्त्री, खगोल भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। वे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपना अध्ययन क्षेत्र बदल लेते और उसमें उल्लेखनीय कार्य करते। हमारी युवा पीढ़ी को उनका निम्नांकित संदेश याद करके विज्ञान के क्षेत्र में मूल शोध करना चाहिए, ताकि हमारा देश विश्व परिवार में अपना समुचित स्थान बना सके। यानी कि हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए, और हमें भी जो काम उन्होंने किए विज्ञान के क्षेत्र में, हमें भी उन कार्यों को करने में तत्पर होना चाहिए। तो महान आदमी जन्म से ही महान नहीं बनते, बल्कि परिश्रम करके महान बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े महान लोग हैं, ये कोई जन्म से ही महान नहीं पैदा हुए। ठीक है, तो वो परिश्रम करके पैदा हुए हैं, हार्ड वर्क करके पैदा हुए हैं। तो हमें भी हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए। सो ये था हमारा चैप्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे, नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें फिजिक्स में, ठीक है, वो थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यहाँ उनकी फोटो भी दी गई है, ये थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 14।
आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज वाला चैप्टर था ये। सो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स है। एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों के परिवार के रूप में प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही। डॉक्टर चंद्रशेखर की आरंभिक शिक्षा मद्रास चेन्नई में हुई, नो बिल्कुल गलत। उनकी कॉलेज की शिक्षा जो थी वो मद्रास में हुई थी, उनकी शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई थी। भारत सरकार ने चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजा, नो उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। डॉक्टर चंद्रशेखर को येर्क वेधशाला में प्राध्याध्यापक की पद मिला था, यस। प्रकाश की गति 3 सेकंड में 1,00,000 किलोमीटर है, नो 1,00,000 नहीं बल्कि 3,00,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। सो डॉक्टर चंद्रशेखर एक ही साथ भौतिक शास्त्री, खगोल भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। 1910 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म हुआ। 1936 में यॉर्क वेधशाला में प्राध्याध्यापक का पद मिला। 1953 में उन्हें अमेरिकी नागरिक बने वो, ठीक है, अमेरिकी सिटीजनशिप मिली। 1983 में उन्हें भौतिक फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज। और 1995 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों का परिवार था, बिल्कुल सही, क्योंकि उनके परिवार में जो उनके पिता थे वो भी एक गणितज्ञ थे और जो उनके चाचा थे वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। इसके बाद हम ये रिटर्न असाइनमेंट्स में आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।